अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अगेन मिल रहे हैं फॉर द सेकेंड आर्टिकल दैट इज़ रेक्टिफिकेशन। तो होपफुली आपने जो पिछला आर्टिकल है वो मेमोराइज कर लिया होगा और उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो हम अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का जो लफ्ज़ है वो निकला हुआ रेक्टिफायर से या रेक्टिफाई से। रेक्टिफाई का मतलब होता है कि चीज़ों को एलिमिनेट कर देना बेसिकली। तो यहाँ रेक्टिफिकेशन जो है उसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील कर सकते हैं। और वो डिवाइस जो इस काम के लिए यूज़ होती है, हम उस डिवाइस को नाम देते हैं रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील कर सकते हैं। अब ये जो रेक्टिफिकेशन है, इस रेक्टिफिकेशन के दो तरीके होते हैं। एक तरीके को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा जी, हाफ वेव जो रेक्टिफिकेशन है बेटे, इसमें बेसिकली हमें जो हाफ वेव है वो रेक्टिफाई होकर मिलेगी, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट के दो हाफ साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल में एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है और वो जो नेगेटिव है, उनमें से आपको सिर्फ एक जो है वो मिलता है और एक पार्ट आपको नहीं मिलता। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में बेटे आपने करना क्या है, आपने एक डायोड लेना है। ये देखेंगे मैंने पीएन जंक्शन का जो है वो सिंबल ये यूज़ किया, ठीक है। ये जो आपके पास डायोड है, इसके साथ आपने कनेक्ट करना है एक अदद अल्टरनेटिंग बैटरी और साथ में आपने एक अदद रेजिस्टर अटैच कर देना, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एरो हेड है ये हमेशा पी टाइप है और ये जो बार लाइन है ये हमेशा एन टाइप है, ठीक है। ये है अल्टरनेटिंग करंट की बैटरी, यानी कि ये आपको जो वोल्टेज देगा वो वेव फॉर्म उसकी कैसी होगी, इस तरह से, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल है अल्टरनेटिंग करंट का, ये है इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये है इसका नेगेटिव हाफ साइकिल। इस पूरे साइकिल का बेटे जो टाइम पीरियड है, जो टाइम का दौरानिया है, वो है कैपिटल टी। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है इसको मैं कहूँगी हाफ टाइम पीरियड और अगला भी इसी तरह से हाफ टाइम पीरियड होगा। अब मैं लिखती हूँ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। जब इस अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि जो टाइम का दौरानिया है वो जीरो से टी बाय टू तक है। इसके लिए आप फर्ज कर लें कि ये जो टर्मिनल है एसी का, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर मैं इस पोलैरिटी से देखूं तो इस डायोड का जो पी है, पी टाइप, वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जो एन टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि हमारा ये जो डायोड है ये इस टाइम के लिए हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अब कन्वेंशनल करंट अगर हम देखें तो कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, रेजिस्टर में से ये नीचे आएगा, ठीक है। आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, यही वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको यहाँ पर दोबारा वापस मिल जाएगा, ठीक है। और टाइम है इसका जीरो से टी बाय टू। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, जब बेटे यहाँ पर करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर कर नेगेटिव होना है, तो हमारी ये जो बैटरी की पोलैरिटीज़ हैं, इनके जो पोल्स हैं, इस पर चार्जेस हैं, ये भी रिवर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि जो टाइम है हमारे पास वो टी बाय टू से हो जाएगा टी, यानी कि ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। जो हमारे पास सोर्स है
वो क्या करेगा, पोलैरिटीज को रिवर्स कर देगा। पोलैरिटीज के रिवर्स होने का मतलब कि जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में अगर आप गौर से चेक करें तो आप डायोड को देखें, डायोड की बाइसिंग को, तो डायोड का जो पी टाइप है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप है वो कनेक्ट हो गया है पॉजिटिव टर्मिनल से। इसका मतलब कि हमारे इस केस में जो डायोड है वो रिवर्स बाइस्ड हो गया है। अब हम फिलहाल चूंकि आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं तो आइडियल केस में आपको पता है कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट गुजरता है वो जीरो होता है, तो हैंस हम कहेंगे हमारे इस डायोड में से कोई करंट नहीं गुजरा और हमारे रेजिस्टर में से भी कोई करंट नहीं गुजरा। जब कोई करंट नहीं गुजरा तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल था ये हमें इस आउटपुट पर मिलेगा ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर इस एसी का सेकंड साइकिल आ जाएगा, उस सेकंड साइकिल का भी पहले पॉजिटिव हाफ आएगा, तो पॉजिटिव हाफ के दौरान अगेन यही काम होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और आपको आउटपुट पर ऐसे कर कर सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन उसका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड में आइडियली कोई करंट फ्लो नहीं करता, आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर ने हमारे इस एसी के साइकिल की हाफ वेव रेक्टिफाई कर दी है, नीचे वाला जो साइकिल था हाफ साइकिल वो ख़त्म कर दिया है और उसने हमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल दे दिए हैं जिनकी डायरेक्शन तब्दील नहीं हो रही। इट मीन्स के दिस करंट इज डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। बेटे ये है आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको अब आधी वेव भी जो है वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है जो हाफ वेव ने रेक्टिफाई कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, वो भी आपको डायरेक्ट करंट के फॉर्म में तब्दील होकर आपको मिलेगा, इसलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट जो है वो आप देखें, हमें एक की बजाय चार डायोड्स आई हैं और ये ब्रिज फॉर्म में लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये डायोड D1 है, ये D2 है और ये D3 है और ये D4 है। ये है टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। आप इससे थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को थोड़ा सा याद कर लें। ए और बी टर्मिनल के दरमियान में हमने अपना एसी का सोर्स लगाया हुआ है, एसी बैटरी, और टर्मिनल सी और डी के दरमियान में हम लोगों ने अपना ये रजिस्टर लगाया हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारा इनपुट का सिग्नल है और यहाँ पर नीचे मैं आउटपुट इसके साथ ही बना लूँगी ताकि हमें फ़ायदा हो जाए। ये है ज़ीरो, यहाँ पर टाइम होगा हाफ, यहाँ पर टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद चलता रहेगा। तो मैं ये जो पहला हाफ साइकिल आ रहा है इसकी बात करती हूँ। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस बैटरी के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। अब अगर आप गौर करें तो ये पॉजिटिव करंट यहाँ पर आएगा और ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पर आएगा। ये पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस डायोड का ये पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हो जो डायोड है ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये डायोड D2 का ये जो पी टाइप है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब कि ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड। अब अगर आप इसको चेक करें तो ये पॉजिटिव का मतलब है कि इस डायोड D4 का ये बार लाइन एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड। इस D3 को चेक कर लें, इस D3 की ये बार लाइन नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि एन टाइप एन से ही कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड। यानी कि हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 एंड D3 ये दोनों डायोड जो हैं ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएंगे, जबकि D2 एंड D4 जो हैं ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे। रिवर्स बाइस का मतलब कि इन डायोड में से करंट फ्लो नहीं करेगा। नाउ वी हैव टू चेक द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो बट ये कन्वेंशनल करंट गौर से देखें, पॉजिटिव करंट आया यहाँ तक, जब आएगा ए तक तो D4 है, रिवर्स बाइस करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा, करंट जाएगा D1 में से, जब आता आता इस पॉइंट D पर आएगा तो D2 इज़ ऑलरेडी रिवर्स बाइस, करंट यहाँ से नहीं जाएगा, करंट इस रजिस्टर R में से नीचे की जानेब होता होता इस C तक जाएगा, C पर पहुँच कर अगेन D4 रिवर्स बाइस्ड है, D3 फॉरवर्ड बाइस्ड है, यहाँ से होता होता ये अपना लूप कंप्लीट कर लेगा और आपको आउटपुट पर ये जो हाफ सर्कल है ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। 0 से T/2 इसका टाइम है, ठीक है। अब जब इसी सर्किट का
आएगा सेकेंड हाफ, उसको मैं बनाती हूँ, हेयर गोज द सर्किट। बेटे जब हमारे पास इस सर्किट का, इस एसी साइकिल का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में अगर हम पोलैरिटीज चेक करें तो ये ए टर्मिनल नेगेटिव है, इस नेगेटिव का मतलब है इस डायोड का एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा बेटे फॉरवर्ड बाइस्ड और ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड। अब ये जो बी टर्मिनल है ये है पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये जो डी टू है इसका ये जो पी टाइप है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड और इस डी थ्री का एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड। यानी कि अगर आप गौर करें तो हमारे पास पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में डी वन और डी थ्री फॉरवर्ड बाइस्ड थे, जबकि अब इसका रिवर्स हो गया है, डी वन एंड डी थ्री अब हमारे पास हो गए हैं रिवर्स बाइस्ड। अब डी टू और डी फोर पहले केस में रिवर्स बाइस थे, अब हमारे पास डी टू और डी फोर दोनों के दोनों क्या हो गए हैं फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, अब हम अपने कन्वेंशनल करंट के फ्लो को जरा चेक करते हैं। पॉजिटिव करंट आएगा इस टर्मिनल बी तक जाएगा, बी तक गया तो उसने देखा डी थ्री इज रिवर्स बाइस्ड, इसमें से मूव नहीं करेगा, डी टू में से जाएगा तो टर्मिनल डी तक पहुंचेगा। जब टर्मिनल डी तक पहुंचेगा तो वो अगेन देखता है कि डी वन हमारा रिवर्स बाइस्ड है, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो इस आर में से नीचे को मूव करते करते पॉइंट सी तक जाएगा। जब पॉइंट सी तक जाएगा तो ये वैसे ही रिवर्स बाइस्ड है, इस फॉरवर्ड बाइस में से गुजरेगा, ये ऑलरेडी रिवर्स बाइस्ड है और ये फिर अपना लूप यहाँ से कंप्लीट कर लेगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप गौर करें दोनों फिगर्स में तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आर में से करंट की डायरेक्शन नीचे और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट की डायरेक्शन नीचे है, आपको आउटपुट पर यही नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे मिलने की बजाय ये आपको ऊपर मिल जाएगा। यानी कि इस रेजिस्टर में चूंकि करंट की डायरेक्शन दोनों साइकिल्स के लिए सेम सेम है, इसीलिए आपको आउटपुट पर भी इस लाइन के ऊपर ही ये सर्किट मिलेगा। इसका मतलब कि ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल था ये रेक्टिफाई हो गया है, ये आपको इसने डीसी में ही बदल कर दे दिया है। अगेन ये जो सेकेंड हाफ साइकिल है फिर ये शुरू होगा और ये आपको अगेन ये डायग्राम मिलेगी एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और हम कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमें आधी वेव की बजाय पूरी की पूरी वेव एसी से डीसी में तब्दील होकर मिल गई है। सो दिस इज़ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बेटे अब ये याद रखें तो कि दोनों में से किसकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंट जो ज़्यादा है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वेव का कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं हो रहा, हमें दोनों हिस्से मिल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी। जबकि अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को देखें तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आउटपुट पर मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब पावर लॉसेस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी इसकी कम है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमें पूरी की पूरी वेव मिल रही है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। हाँ, ये याद रखने वाली बात है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन से जो हमें आउटपुट पर डीसी मिल रहा है ये स्मूद नहीं है। स्मूथ मतलब यहाँ वोल्टेज जीरो है, इंक्रीज़ होता होता मैक्सिमम, डिक्रीज़ होता होता ज़ीरो, फिर मैक्सिमम इंक्रीज़ होता होता मैक्सिमम, फिर डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो। तो हमें इसको स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन से हमें जो डीसी करंट मिलता है वो पल्सेटिंग होता है, वो पल्सेस वाला होता है, हम इसे कहते हैं पल्सेटिंग वोल्टेज। पल्सेटिंग मीन्स कि ये स्मूथ नहीं होता, दिस इज़ नॉट स्मूथ। इसको स्मूथ करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर सर्किट से होते हैं इन पल्सेस को फिल्टर कर आपको एक स्मूथ डीसी का वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। अल्लाह हाफिज़।